हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बिवश और आप देख रहे हैं बिवश व्लॉग्स। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो मैं हमेशा देता रहता हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज लाया हूँ यूपी के जो असिस्टेंट टीचर नियुक्त होने वाले थे उनका जो रिज़ल्ट, वो आउट हो चुका है। वो आप कैसे जानेंगे इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना। फ्रेंड्स, आप जानते हैं वो जो उत्तर प्रदेश प्राइमरी स्कूल असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2018 में कहा गया था कि 68,500 टीचर्स नियुक्त करने वाले हैं। उसके लिए जो एग्ज़ाम लिया गया था मई के महीने में, तो उसी का रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है upbasicedubord.gov.in, इस पर आप अगर जाएंगे तो अपना रिज़ल्ट आप देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 68,500 टीचर्स के पोस्ट के लिए लगभग 12 लाख से ऊपर कैंडिडेट ने ये पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, और उनमें से 10.78 लाख कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं इन एग्ज़ाम में। तो कुल मिलाकर जो इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है वो कैंडिडेट है 41,556 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। ए यूपी गवर्नमेंट यानी कि यूपी जो बोर्ड है, टीचर्स एजुकेशन बोर्ड, उन्होंने ये क्लियर किया है। तो फ्रेंड्स, आप कैसे इस रिज़ल्ट को आप जानेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है upbasicedubord.gov.in पर जाना होगा। वहाँ पर आपको लिखा होगा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ये लिखा होगा आपको ऊपर में। तो आप उसको पढ़ लेना भाई अच्छी तरह से। और नीचे वाले लिखा होगा रिजल्ट, उनमें अपना जो रोल नंबर है और जो एक कैप्चा यानी कि सिक्योरिटी कोड आपको लिखना होगा वो आपके सामने दिया हुआ होगा। वह उन्हीं पर आप अपना रोल नंबर और सिक्योरिटी कोड देके एंटर कर देना, तो आप अपना स्क्रीन पर अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, उस रिज़ल्ट को आप डाउनलोड और प्रिंट आउट ले लेना, बाद में वो काम आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना रिज़ल्ट जान सकेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, फिर भी मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो डायरेक्ट लिंक है आपको दे दूंगा। आप वहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट सिर्फ आपको पूछेगा कि आपका रोल नंबर और कैप्चा इनके सिक्योरिटी कोड डालकर सबमिट करना होगा, तब आप अपना रिज़ल्ट आसानी से देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जो वीडियो है उस वीडियो के जो दाएं तरफ देखना एक सब्सक्राइबर बटन है, वहाँ पर क्लिक करके आप बाद में देखना, वहाँ पर एक बेल बटन आएगा, वहाँ पर भी आप क्लिक करके रखना, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा देता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये जो पोस्ट के लिए रखा गया था वो लगभग 68,500 कैंडिडेट नियुक्त करने के लिए, तो उनमें से लगभग 41,000 पास किया है इस एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आप इससे जुड़ी और भी जानकारी चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से जाकर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।